तो अभी अपन देखेंगे फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम, कि अपन फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म पहले समझो कि शेप कौन सी होती है। फर्स्ट टर्म मतलब जब अपन समझ लो जैसे कोन है, कोन को अपन ने यहाँ से काट दिया, तो ये जो बाल्टी की तरह बच जाएगा ना हिस्सा, वो होता है फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म के अंदर सिमेट्री ही अपने सिलेबस के अंदर है, मतलब अपने सिलेबस में जो है वो सिमेट्री है, मतलब जैसा नीचे सर्किल है ना सेम वैसा ही सर्किल, मतलब सिमेट्रिकल। सर्किल तो सारे सिमेट्रिकल ही होते हैं। अब जैसे नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ऊपर से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही काटा है, तो ये भी क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। और ये पिरामिड मान लो, अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पिरामिड तो समझा ही दिया कि पिरामिड अपन कहेंगे किसको, तो ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है, और ये भी अपन पिरामिड मान के चल रहे हैं। ऐसे ही जो स्क्वायर शेप का पिरामिड होता है, उसको भी अपन ने ऊपर से काट दिया सिमेट्री से, तो ऊपर भी स्क्वायर बन गया, तो ये भी एक फर्स्ट टर्म बन गया। सेम इसी तरीके से हेक्सागोन है, ऊपर भी हेक्सागोन है, और दोनों इक्विलेटर हेक्सागोन है, ये भी मतलब स्क्वायर है, सारी साइड सेम है, और ये भी हेक्सागोन है, सिमेट्री है, सारी साइड सेम है, तो ये अपन समझेंगे है ना। तो देखो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इन सभी के लिए, इन सभी का एक फॉर्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम जो होगा वो होगा 1/3 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट के अंदर B1, मतलब बेस का कोई एक एरिया, प्लस B2 प्लस B1 इंटू B2 का अंडर रूट। B1 क्या है, एक एरिया, नीचे वाला एरिया B1 माना है, ऊपर वाला एरिया B2 माना है, और इन दोनों के बीच की हाइट क्या मानी है, H। सेम इसी तरीके से B1 B2 इन दोनों के बीच की हाइट H। तो वॉल्यूम अपन को बस ये एक फॉर्मूला याद रखा, और ये इन चारों का फॉर्मूला याद हो गया फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए, अपन को बस ये फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला रिवाइज कर लो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक क्यूबिक होती है, मतलब इसके अंदर पावर 3 आती है, समझ रहे हो, मतलब पावर 3 से मतलब जैसे अगर अपने पास में कोई मीटर क्यूब, इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब के अंदर आती है। तो याद ऐसे रखो कि हाइट ये एक सिंगल डायमीटर है, मतलब ये मीटर के अंदर होगी, और ये एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर के अंदर होगा, ये भी प्लस के अंदर है, ये मीटर स्क्वायर के अंदर होगा, और ये मीटर स्क्वायर लेकिन अंडर रूट है, तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर बचेगा, तो ये गुणों के मीटर क्यूब आएगा अपने पास में। तो ये अपन को इस तरीके से याद रख लेना है ना। अब मैं आपको देखो इसके अंदर बताता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म का एरिया अपन कौन के लिए जो याद रखते हैं ना, वो जो एरिया आता है वो भी यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अपन ने कोण के लिए अलग से याद रख रखा है, लेकिन अपन को तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये एक बड़ा रेंज कवर करता है, ये सारे पिरामिड्स कवर कर ले, सारे फ्रस्टम कवर कर लेता है ये फॉर्मूला। अब कैसे कोण के लिए अपन समझ लेते हैं कि कोण के लिए कैसे करना है। तो देखो कोण के लिए अपन क्या करते हैं, कोण के लिए अपन ने जब मान लिया कि देखो जैसे ये मतलब कोण से मेरा मतलब है ये कोण वाले फ्रस्टम के लिए, ये देखो ये एक फर्स्ट टर्म मैंने बना लिया, मैंने मान लिया कि ये इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और ये भी जो बीच की जो हाइट है वो मैंने मान ली एच। तो अपन को तो ये बड़ा फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है 1/3 एच बेस का एरिया, फिर ऊपर वाले एरिया, और वो दोनों एरियाओं का मल्टीपल, और उनका अंडर रूट, ये पूरा ब्रैकेट में इससे गुणा होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/3 गुना में एच, अब बताओ इसका नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये अपने पास में वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू एच पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई पाई स्क्वायर है, तो एक पाई आ गया अपने पास में बाहर, इसी तरीके से ये आर आ जाएगा और ये स्मॉल आर आ जाएगा, तो अपन ने यहाँ से पाई कॉमन ले लिया, तो अपने पास में वॉल्यूम क्या आ गया, 1/3 पाई इंटू एच
ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो अपन को इस कौन वाले फर्स्ट टर्म के लिए ये फॉर्मूला अपन को याद रहता है। लेकिन आपको अब समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये इसी का बेबी है ये फॉर्मूला, मतलब ये फादर है। ये सबके लिए लागू हुआ, ये फॉर्मूला सबके लिए लागू हुआ, और ये इसी को अपन ने एक एक पर्टिकुलर कौन के लिए अपन ने इसको ये याद रख लिया। तो आपको अगर आपको तो ये याद रखना है, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं याद रखना, ये भी याद कर लो। अब जैसे मान लो आपके पास में कल को ये सिचुएशन आ गई कि भैया आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया, क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि एक पिरामिड टाइप का फ्रस्टम है, ऐसा सा एक फ्रस्टम है, इसका वॉल्यूम निकालो, इसकी हाइट मान लो अपन को दे दी 7, और नीचे वाली जो साइड है वो साइड अपन को मान लो दे दी 8, ठीक है, और ऊपर वाली जो साइड है वो साइड मान लो अपन को दे दी 3, और इसका वॉल्यूम अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को तो एक चीज़ पता है अच्छे से कि अपन करेंगे 1/3 इंटू हाइट कितनी है 7, तो अपन ने ये कर दिया। फिर अपन यहाँ पे क्या, फिर अपन क्या करेंगे, नीचे वाला एरिया 64, ऊपर वाला एरिया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 64 × 9 का अंडर रूट। तो अपन को पता है कि ये तो हो गया 7/3 इंटू 64 × 9 73। अब देखो यहाँ तो मतलब ये इसका अंडर रूट आ रहा है, अपन को सब पता पड़ गया कि ये 8 और ये 3 मतलब 24 हो जाएगा, तो 24 × 9 33 और 64 97 हो जाएगा अपने पास में। अब बस ये अपने पास में आंसर आ गया 9/63। ये अपने पास में मीटर क्यूब में मतलब आंसर आ गया, मतलब ये आप समझ गए ना कि इस तरीके से अपने पास में सवाल आएगा, तो अपन को वो सॉल्व कर लेना है। कई बार तो ये डायरेक्ट मैंने मॉक के अंदर देखा है कि कई बार ना वो केवल इतना कहता है कि एक फ्रस्टम है जिसके नीचे का एरिया जो है वो 154 है, ऊपर का एरिया मान लो 4, मैं मतलब ऐसा समझ लो कुछ कि जैसे नीचे का एरिया, मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए सोच रहा हूँ मैं ना कि क्या ऐसे ले सकता है। हाँ मतलब ऐसे समझ लो कि नीचे का एरिया जो है वो बेहतर है, एक फ्रस्टम है जिसमें नीचे का एरिया बेहतर है, ऊपर का एरिया 18 है, और हाइट अपन को दे दी मान लो 15, ये अपन को हाइट दे दी। तो उसने सिंपल सा क्या पूछा हुआ है मॉक के अंदर, मैंने देखे सवाल कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा अपन को, बस इतना कहा कि उसका जो नीचे का एरिया है, ऐसा कह दिया कि एक सिमेट्रिकल फ्रस्टम है, उसका नीचे का एरिया बेहतर है, ऊपर का एरिया 18 है, हाइट 15 है, इसका वॉल्यूम निकालो। तो अपन को फॉर्मूला याद है, अपन क्या करेंगे 1/3 इंटू हाइट, फिर अपने पास में बेहतर प्लस 18 अंडर रूट के अंदर बेहतर इंटू 18, तो ये बेहतर क्या होता है 36, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 18 × 36 तो 6 बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो। अब ये ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपन जब रफ में करते हैं ना तो अपन को सीधा जोड़ लेना चाहिए कि 72 18 90 36 116 126 गुणा में 5, तो ये कितना हो जाएगा 630 मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो भी अपने पास में आंसर आया वो जाएगा। समझ में आया मतलब,
कि अपन को बस इतना करना है कि अपन को इसके अंदर बेस एरिया देखना है, निकालना आना चाहिए। अपन को बेस एरिया सबका पता होता है, इसका पता है कि इसके अपन को रेडियस दी हुई रहेगी तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें अपन को साइड दी हुई रहेगी क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, इसका एरिया √3/4 भुजा² हो जाएगा, इसकी अगर साइड दी हुई रहेगी तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसकी अगर साइड दी हुई रहेगी तो ये 3√3a² हो जाएगा। तो बेस एरिया अपन को सबका पता, ऐसे ही ऊपर वाले की साइड दी हुई रहेगी तो ऊपर वाले का एरिया निकाल लेंगे और अपन इस फॉर्मूले के अंदर रख के सॉल्व कर लेंगे। इससे ना अपना ये हो गया कि अपन को अलग अलग इसका अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला, इसका अलग फार्मूला याद नहीं रखना, अपन को ये कि याद रखना है, बाकी अपन कैलकुलेशन करते टाइम वो दिख जाएगा अपन को, इजी हो जाएगी चीज़ें, बस ये एक फार्मूला याद रखना और अपना काम करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी अपन अभी जो है वो अपन फ्रस्टम के वॉल्यूम के ऊपर चीज़ सीखी है। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखना, फिर डाउट पूछना, है ना। अब एक और फ्रस्टम के ऊपर एक चीज ही और अपने आती रहती क्वेश्चन के अंदर, वो होती फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये अपने पास में जैसे कॉन वाला फ्रस्टम हो गया, मैं इस कॉन से आपको चीजें रिलेटेड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। और जैसे ये ट्राइंगल वाला फ्रस्टम है, और ये अपना स्क्वायर वाला हो गया, और ये अपने पास में हेक्सागोन हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसके लिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, या फिर सभी का ही ले लेते हैं अपन, कि सबका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, इसका बेस का भी ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया बेस का, टॉप वाला एरिया, और ये पूरा साइड का एरिया। तो बेस का एरिया किसी में भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी अपन को, क्योंकि इसकी रेडियस दी हुई रहेगी अपन बेस एरिया निकालेंगे, इसकी रेडियस दी हुई रहेगी अपन बेस एरिया निकाल लेंगे, इसकी साइड दी हुई रहेगी क्योंकि इक्वल ट्रायंगल ही है ये सब, इक्वल ये सारे इक्वल इक्वल साइड है अपने सिलेबस में, तो इसकी साइड दी हुई रहेगी √3/4 भुजा² आ जाएगा, इसकी साइड दी हुई रहेगी इसका आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मान लो कुछ दी हुई रहेगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही सेम इसके अंदर √3 √3a² हो जाएगा, अगर ए इसकी साइड है, इसकी साइड दी हुई रहेगी तो ये हो जाएगा। अब बात आती है अपन को कि ये लेटरल सर्फ मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे निकालना है अपन को। तो अगर मान लो ये कॉन होता तो कॉन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। अब यहाँ पे ना दो रेडियस है ना, तो इस सिंगल रेडियस को दो कर दो बस, इसका लेटरल सरफेस क्या आ जाएगा अपना पाई, एक तो बड़ी आर मान लो ये है और ये अपने पास में क्या है छोटी आर, तो पाई R+R और ये L, तो अपने पास में इसका कर्व एरिया आ गया। और L जो है वो केवल इतनी ही है, ये इतनी L है, ये है L, सेम इसके अंदर ये L हो जाएगी। तो अब ये तो मैंने इसके लिए बताया, अब इन सब के लिए जो कॉमन जो होता है वो क्या होगा, मैंने पिरामिड वाले वीडियो के अंदर आपको बताया कि जो कॉन के लिए जो पाई आर एल होता है ना, ये कर्व सरफेस एरिया, वो अपने पास में कैसे आता है, वो अपने पास में आता है पेरीमीटर, मतलब कि पेरीमीटर को जब अपन इस लेटरल हाइट से इंटू कर देते हैं ना और उसका आधा कर देते हैं, तो अपने पास में किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। तो सेम मैंने उस वीडियो के अंदर आपको शंकु के ऊपर ट्राई करके बताया था कि देखो शंकु का अपन पाई आर एल लिखते हैं, लेकिन शंकु का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर शंकु के लिए क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, और इसके यहाँ पे लेटरल हाइट क्या होती है एल होती है, तो इसके लिए अपन ये सरकमफेरेंस हो गई, ये लेटरल हाइट को इससे ही कर दिया,
इंटू टू कर दिया तो ये देखो ये कट के पाई आर एल ही आ गया ना ये, तो ये बड़ा फॉर्मूला ये सारे पिरामिड के ऊपर लागू होगा उनके लेटरल सरफेस के लिए। ऐसे ही सभी फ्रस्टम का जो लेटरल सरफेस होगा वो क्या होगा, वो अपने पास में होगा नीचे वाला पेरीमीटर प्लस ऊपर वाला पेरीमीटर का सम करके इनके लेटरल हाइट से गुणा करके आधा। बस सेम इस शंकु के अंदर क्या हो जाएगा, इस शंकु के अंदर अगर मैं ट्राई करके दिखाऊं तो पी वन क्या हो जाएगा, जैसे मैं नीचे वाला अगर पी वन माना है तो पी वन क्या हो जाएगा, टू पाई आर, टू पाई आर। ऊपर वाले के लिए पी टू क्या हो जाएगा, टू पाई आर, और ये एल बटे में दो, तो टू पाई बाहर आ जाएगा तो, और टू से टू कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई आर एल। मतलब इन सब के लिए अपने पास में लेटरल सरफेस एरिया किसी भी पिरामिड का अपन को निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, पी वन पेरीमीटर दोनों ऊपर और नीचे उन दोनों के पेरीमीटर का आधा और वो इस लेटरल हाइट से गुणा कर दो, बस अपने पास में लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए अपन बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो अपने पास में पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि अपने पास में एक हेक्सागोन दिया हो, हेक्सागोन का फ्रस्टम दिया हुआ है अपन को, ऐसा सा ठीक है। उसने अपन को इसकी मान लो ये लेटरल हाइट दे दी होगी उसने अपन को कितनी, कुछ भी मान लेते हैं 10 दे दी होगी ठीक है, और ये अपन को दे दी मान लो 7 दे दी, ये अपन को 5 दे दी, मतलब कि ये जो नीचे हेक्सागोन है उसकी एक साइड 7 है और ऊपर वाले की साइड क्या है, 5, मतलब ये सारे 5 5 5 है, ये सारी 7 7 7 है, तो इसका लेटर मतलब इसका ये कर्व सरफेस समझ लो, या फिर ये लेटरल सरफेस एरिया जो भी, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला एरिया जो है उसे वो एरिया निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, अपन दोनों का पेरीमीटर ऐड करेंगे, नीचे वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 7 6 42, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो 30 और 42 कितना हो जाएगा, 72 गुणा में 10 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 36 गुणा 10 360, ये अपने पास में आ गया इसका साइड वाला एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, तो नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 3√3 × 49, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, 3√3 × 25, तो 3√3 कॉमन ले लेंगे अपन, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 49 25 74। अब यहाँ से अपन और कर देंगे तो ये 222√3, ये अपने पास में ऊपर नीचे इन दोनों का आ जाएगा और इन दोनों को अपन मिला देंगे तो अपने पास में ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। आप तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मतलब जो अपन ने पढ़ा है उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि अपन ने क्या चीज पढ़ी है और आपको वही चीज याद रखनी है। पहली चीज अपन ने पढ़ी है कि फ्रस्टम, कोई सा भी फ्रस्टम क्यों ना हो, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होता है 1/3 × जो हाइट होती है वो, प्लस बेस का एरिया प्लस B2 प्लस B1 × B2 इसका अंडर रूट, ये फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा ठीक है। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो फर्स्ट टर्म का, या फिर लेटरल सरफेस एरिया कह लो फर्स्ट टर्म का, वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है नीचे वाले का पैरामीटर प्लस ऊपर वाले का पैरामीटर इनटू लेटरल हाइट बटे में 2, ये होता है, अपन को ये चीज़ याद रखनी है। और कोण के लिए तो अपन को रटे हुए होनी चाहिए, कोण के लिए वॉल्यूम भी अलग से रटा होना चाहिए, कोण के लिए ये भी होना चाहिए। कोण के लिए वॉल्यूम तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/3 πh r² + r² + r × r,
और कॉन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया को फ्रस्टम वाले कॉन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर प्लस आर एल। ये दोनों चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ये दोनों तो होनी चाहिए और ये भी अच्छे से होनी चाहिए। कोई सा भी पिरामिड आ जाए ना तो अपन याद होगी तो अच्छे से कर लेंगे चीज़ें, ठीक है ना। दो तीन बार करना, दोनों वीडियो देखना इससे पहले वाले की वीडियो, फिर उनको समझना, एक दो बार देखना समझना कि मैंने कॉन्सेप्ट जो सिखाया ना कि सभी के लिए एक से, और जो कनेक्ट करके मैंने कौन से बताया आपको पहले वाले वीडियो के अंदर भी इस वाले वीडियो के अंदर भी, उनको समझना है ना और फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करना। ठीक है ना, तो अभी के लिए तो फिर इतना ही है और तो कुछ नहीं है।